नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 3G या 4G की स्पीड जो कैसे स्टेबल रख सकते हैं या फिर उसे बूस्ट कैसे कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यह मेरे चैनल पर पहला विजिट है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कोई वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई शिकायत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भैया चलिए, मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये 4G बूस्टर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए फाइबर या प्लास्टिक की हीट, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्लू, एक मार्कर, एक रूलर, कुछ टेप्स, एल्युमिनियम के फॉइल, कॉपर की फॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 4G बूस्टर बनाना। आपने जो प्लास्टिक की सीट ली है उसे रेक्टेंगुलर शेप में काट दीजिए, जिसकी लेंथ होगी लगभग 25 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ होगी लगभग 16 सेंटीमीटर। आप उस शेप में स्मूथली उसको काट दीजिए। काट लेने के बाद इसको हल्का सा कर्व करके ये करना है। आप इसको अपने गैस बर्नर पे हल्का सा गर्म करके भी कर्व कर सकते हैं। मैंने अपने गैस बर्नर पे इसे गर्म करके थोड़ा सा कर्व कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे ये कर्व हो गया है। इस तरीके से आपको भी कर्व कर देना है प्लास्टिक की जो शीट है उसे। उसके बाद आपने जो ग्लू ली हुई है उसे, अगर ये टू पार्ट्स वाले ग्लू है तो उसे मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर लीजिए। अगर आपका नॉर्मल ग्लू है तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों ने जो एल्युमिनियम की शीट ली हुई है उसे कर्व प्लास्टिक के आउटर कोर पे चिपका देना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि एल्युमिनियम और कॉपर की फॉइल इजीली कहाँ अवेलेबल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक है उसे देख सकते हैं। अब आप लोगों को करना है कि ये जो एल्युमिनियम की फॉइल है इसे इस कर्व्ड एरिया के आउटर सरफेस पे चिपका देना है, इस तरह से। ये मेरी जो एल्युमिनियम और कॉपर फॉइल जो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ वो मैंने बैटरी से निकाली हुई है। हम लोग इस पर ग्लू अप्लाई करेंगे और चिपकाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉइल रेडी हो गई है चिपक के। इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे और इसके ऊपर हम लोग टेप से एक लेयर अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ओपनिंग में कमज़ोर हो सकती है या फिर उखड़ सकती है, वहाँ पे आप ये टेप अप्लाई कर दीजिए।
देख सकते हैं कि ये हमारा तैयार है। अब हम लोग को काम करना है इसके इनर सरफेस पे। तो इसके इनर सरफेस पे भी आप ग्लू अप्लाई कर दीजिए। और हम लोगों के पास जो कॉपर की फॉइल है उसे भी, अगर आप लोगों के पास बड़ी शीट है कॉपर की तो आप उसे इस तरीके से साइज में काट के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये बैटरी की फॉइल है तो फिर आप उसे डायरेक्टली कट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग कॉपर फॉइल को इस तरह से दोनों एंड्स पे, अब बीच में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के पेस्ट कर दीजिए ग्लू की हेल्प से। और जो बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उस पे एक स्क्वायर साइज की कॉपर फॉइल को काट के सेंटर पे चिपका दीजिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तरह से एक स्क्वायर साइज में काट करके आप चिपका दीजिए। जस्ट सेंटर पे पेन या मार्कर की हेल्प से आप इस तरह से एक जिग जैग स्पाइक बना दीजिए। आप लोगों को पता नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मैं नहीं, पर ये आपको इस तरह से मार्कर से स्पाइक करके ब्लेड या कटर से कटआउट कर देना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कटआउट कर लेने के बाद आप इसकी जो एंड्स है जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाया है वहाँ पे आप सोल्डरिंग कर लीजिए। और ये जो पीछे वाली जो एल्युमिनियम की फॉइल है उस पर सामने वाले कॉपर की फॉइल से कांटेक्ट बना दीजिए एक कोने पे, किसी भी एक कोने पे आप कांटेक्ट बना सकते हैं एल्युमिनियम की फॉइल और कॉपर की फॉइल के बीच में। तो मैं यहाँ इस कोने पे कांटेक्ट बना देता हूँ। कांटेक्ट बनाने के लिए आप कोई भी वायर की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बचे हुए कॉपर या एल्युमिनियम की फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये पीछे वाला जो हम लोगों ने एल्युमिनियम का शीट लगाया है, एल्युमिनियम का फॉइल लगाया है, वो हमारा रिफ्लेक्टर का काम करता है। और जो सामने जो हमने कॉपर का फॉइल लगाया है वो एलिमेंट और ये डाइपोल का काम करता है। इसमें कोई बहुत इंजीनियरिंग वाला काम नहीं है, ये छोटी सी सिंपल साइंस है लेकिन बहुत काम का है। तो ये वाला जो कॉपर का फॉइल है उससे एल्युमिनियम की फॉइल को कॉन्टैक्ट बना देते हैं हम लोग। सोल्डरिंग भी आप कर सकते हैं।
इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट बना दीजिए और उसको सोल्डरिंग कर दीजिए। तो यहाँ ये अब पूरी तरह रेडी हो गया है। अब इसको भी हम लोग टेप से सेफ कर देंगे ताकि ये उखड़ ना जाए। दोस्तों मैं ये 3G 4G स्पीड बूस्टर बनाने के बाद आप लोगों को पूरी टेस्टिंग दिखाने वाला हूं और टेस्टिंग के रिजल्ट आपके सामने आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो जिनको ये शिकायत रहती है कि उनका स्पीड बार बार कट जाता है या फिर बहुत स्लो स्पीड उनके नेटवर्क पे रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं खुद भी एक ऐसा एंटीना बना के अपने खुद के लिए यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा मैं उसे मॉडिफाई करके थोड़ा फैक्ट्री मेड लुक दिया हुआ हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप चाहें तो इस वर्जन पे अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं, थ्योरी यही रहेगी। देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ करना क्या है कि इसके जो सेंटर स्पाइक है उस पर अपने कोई भी राउटर आपकी हो 4G 3G उसे आपको जस्ट सेंटर पे रखना है। मैं यहाँ आपको टेस्ट करके बताऊंगा जियो 4G की राउटर को, ये बहुत ही अच्छा राउटर है। यहाँ मैं एक और टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिससे हमारा जो राउटर है वो फिक्स हो जाए वहाँ पे सेंटर पे। आप चाहे तो होल्डर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। बीच में एक और लगा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये पूरी तरह से बनके तैयार है। टेस्टिंग में आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, टेस्टिंग में उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ नेटवर्क काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहता है नॉर्मली। यहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है तो यहाँ मैं स्पीड टेस्ट करके नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपने होम मेड 4G स्पीड बूस्टर की टेस्टिंग। हम लोग अपना राउटर ले आए हैं और उसको ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पे बहुत ही अच्छा नेटवर्क आता है और अपने स्मार्टफोन पे हम लोगों ने चालू कर दिया है अपना स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन। और मैं कर देता हूँ रिस्टार्ट, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ कि यहाँ पे मेरे हैंडसेट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क कनेक्टेड है, इस पर कोई ट्रिक नहीं है। और आप लोगों को बता दूँ कि अच्छा चलिए स्टार्ट कर देते हैं और जब तक ये स्टार्ट हो प्रोसेस होता है तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद, कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि ये सिंपल सा स्पीड बूस्टर है। अगर आप लोगों का नॉर्मल स्पीड 4 Mbps है तो आप लोग ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपका स्पीड ये बूस्टर लगाने के बाद 50 MB हो जाए, नहीं वैसा नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये काम करता है और एटलीस्ट 30-40% तो बूस्ट ज़रूर करेगा और हो सके अगर आपकी लक अच्छी हो तो ये 50 से ऊपर भी ये
स्पीड बूस्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिए पिंग का रिजल्ट आ गया है, डाउनलोड की भी आ गई है और अपलोड की आनी बाकी है। हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं बिना बूस्टर के, नॉर्मली हमारा स्पीड कितना है। तो यहाँ देखिए स्पीड रिजल्ट आ गया है, पिंग हमारा है वो है 718 मिलीसेकंड का, बहुत ख़राब है। डाउनलोड स्पीड 3.7 Mbps ठीक ठाक ही है, अपलोड स्पीड है 0.7 Mbps। अच्छा तो चलिए अब हम लोग फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा होममेड 4G स्पीड बूस्टर को लगा के। तो ये हम लोगों ने अपना राउटर चिपकाया और ठीक उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पहले टेस्ट किया था, ताकि उसका रिजल्ट है उसका कंपैरिजन हम लोग कर सकें। तो चलिए एक बार फिर से टेस्ट रिस्टार्ट करते हैं। अरे वाह, पिंग का रिजल्ट आ गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क बूस्टर है वो काम कर रहा है, स्पीड बूस्टर। आप देखिए इतनी जल्दी डाउनलोड की भी रिजल्ट आ गई है। और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है, आप लोग देख सकते हैं पिंग जो है वो बहुत ही सुधर गया है, 92 मिली सेकेंड का हो गया है। डाउनलोड स्पीड भी 4.8 Mbps की हो गई है और अपलोड स्पीड भी 0.9 Mbps की हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर ले पिछले टेस्ट से जो हम लोगों ने बिना स्पीड बूस्टर के किया था। आप लोगों को फिर एक बार दिखा दूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क हमारा यहाँ अवेलेबल है और वो कनेक्टेड है जियो फाई 3 जो है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पिछले वाले टेस्ट की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। पिछले वाले टेस्ट की जो पिंगिंग है वो 718 मिली सेकेंड से घटकर 92 मिली सेकेंड की हो गई है, जो बहुत अच्छी बात है। और डाउनलोड की जो स्पीड है वो भी लगभग 1 Mbps बढ़ चुकी है अभी की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।